सो यू गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं बहुत ही बड़े हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे गाड़ी में कहाँ से आ गया, कल से घर तक, कल से अपने रूम से ब्लॉग बना रहा था। एक्चुअली गाइस एक मतलब हमारा एक अमाउंट आया हुआ है क्लाइंट की तरफ से, तो वो कलेक्ट करने जाना था। वो काफ़ी अर्जेंट था, जो मैं अगर अवॉइड करता तो वो फिर वो रिटर्न चला जाता, तो उसकी वजह से मुझे अभी आज घर से बाहर निकलना पड़ा। और गाइस प्रॉपर तरीके से निकला हूँ, मतलब मास्क भी लेके निकला हूँ, मतलब अभी जस्ट ये ब्लॉग करने के लिए मैंने उतारा। मुश्किलों के बाद मतलब इतना मतलब मैं एक घंटे से गई एक स्टोर को ढूंढ रहा था, मतलब जो मेरा काम था उसके लिए, इतनी मेहनत के बाद वो स्टोर जाके मुझे मिली एंड फाइनली मेरा काम हो गया। फाइनली मतलब आप मानोगे नहीं, मैं इतनी स्टोर इतनी जगह में भागा हूँ ना, इतनी जगह से इधर से उधर गया हूँ ना, मेरे को एक स्टोर कूपन नहीं मिली, क्योंकि ये इधर मतलब ऑलमोस्ट समझ लो कर्फ्यू जैसे ही है, लॉकडाउन जैसे ही है, तो फिर वो काम भी नहीं हो पाया। मैं घर ही जाने निकला, फिर बाद में एक पता चला कि लास्ट में एक और स्टोर है, तो फिर मैं वहाँ गया डायरेक्ट और फिर फाइनली जाके मुझे वो स्टोर मिला, काम हो गया गाइस फाइनली। गाइस बस अभी घर पहुँचने वाला हूँ एंड एक इमरजेंसी काम था, बस इसीलिए मैं बाहर निकला था, वरना मैं बाहर नहीं निकलता। बट थैंक गॉड एटलीस्ट मैं निकला तो ये काम हो गया। तो गाइज़ अभी मतलब मार्केट से जाके मैं आ गया था, मतलब जो मैं काम के लिए गया था वो मैं करके आ गया, और मतलब आधा घंटा हो गया था आ गया था, आया और गाड़ी पार्किंग में भी लगा दी। देखो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अच्छा है मैं आज गाड़ी लेके गया था, मतलब गाड़ी चल भी गई और ऊपर से थोड़ा है ना साफ़ करने का मौका मिल गया। आज मैं इसको साफ़ करके लेके गया था, मैं आपको दिखाता हूँ साफ़ हो गई है, थोड़ी जो अच्छी लग रही है पहले से, मतलब एटलीस्ट कल के व्लॉग में अगर आपने देखा होगा तो कितनी गंदी लग रही थी, पर आज थोड़ी थोड़ी सी 1% कह सकते हैं थोड़ी ढंग की लग रही है, पहले से तो बेहतर है, साफ़ कर दी है। हमारी पार्किंग यहाँ होती है तो पार्किंग में भी लगा दी थी मैंने इसको आते ही। मेरे ख्याल से अंदर से ज़्यादा बाहर अच्छा व्लॉग होता है, मतलब क्योंकि बाहर लाइटिंग बहुत अच्छी आती है, नेचुरल लाइटिंग आती है ना, यहाँ थोड़ा डिम लाइटिंग होती है, तुम्हारे भाई का चेहरा बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है, यहाँ अंदर तो मतलब लाइटिंग में मज़ा नहीं आता। लाइटिंग मेरे ख्याल से मुझे चेंज करवानी पड़ेगी। ये ऐसी कुछ मेरी पीछे ये वॉल है, ये पूरा फोटो फ्रेम है और ये मेरा गिटार है, सालों से नहीं निकला है, मतलब 5-6 साल से था, बस कभी यहाँ टंगा रहता है या कभी इस हैट की जगह टंगा रहता है, निकलता नहीं है कभी भी बाहर। इसको भी निकाल के दिखाऊंगा आपको कैसा गिटार है मेरे पास। शौक़ बहुत अच्छा पाल रखे हैं पर कंप्लीट कुछ नहीं किया है मैंने। अभी एक मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहा था, सो मैंने देखा मतलब एटलीस्ट 2.3 करोड़ यू नो इंडिया में कोविड के केसेस हैं, मतलब नो डाउट रिकवर्ड भी हुए हैं, पर 2.3 करोड़ इंडिया में अभी तक केसेस इतने ज़्यादा है। तो आपको भी पता होगा, मतलब मैं जस्ट अभी जस्ट ऐसे स्क्रॉल डाउन करता, मैं जनरली ये सब चेक नहीं करता, बिकॉज फिर वो नेगेटिव चीज़ें, वो नेगेटिव यू नो स्टोरीज और वो सब देखो, मैं ज़्यादा ये सब चेक ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने जैसे ऐसे स्क्रॉल अप कर रहा था तो एक पोस्ट में ऐसा मैंने देखा था, तो मेरे ख्याल से कई इससे बेटर तो घर में रहना सही है, घर में रहो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो आप सेफ रहोगे, वो बेटर है। आप घर का अच्छा मतलब हेल्दी खाना खाओगे, अपने मन पसंदीदा खाना खाओगे एंड घर से काम करोगे, एक प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, एक प्रॉपर प्रिकॉशंस लोगे आप अपने घर में, तो वो बेटर है मेरे ख्याल से। तो एंड कई प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, बाहर बिल्कुल मत निकलो, अगर अवॉइड हो सकता है तो बिल्कुल बाहर जाओ ही मत। हाँ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है तो आप जा सकते हो, पर बाहर जा रहे हो तो मतलब आप पूरा प्रिकॉशन लेके जाओ, हैंड ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, यू नो सैनिटाइजर्स लेके जाओ, पर हाँ अगर अवॉइड हो सकते हैं तो आप बाहर ही मत जाओ, एंड आपकी फैमिली के लिए भी सेफ़ है ना वो, आप बाहर जाओगे बाई चांस कहाँ आप जा रहे हो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से अभी ऐसा ही चल रहा है न्यूज़ में कि थर्ड वेव तो और भी ख़तरनाक है, जिसमें एटलीस्ट हवा में वायरस है, ऐसा मतलब ऐसे सब बातें चल रही है, तो बेटर है कि यू नो आप घर में रहोगे तो वो सेफ़ रहोगे, आपकी फैमिली के लिए भी और ज़्यादा अच्छा रहेगा। डालियो।
लास्ट पार्ट में देखा कि मैं एक्चुअली खाना बना रहा था, तो वो कुछ रीज़न की वजह से मुझे खाना बनाना पड़ा था आज। क्या रीज़न था वो मैं आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगा। आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर जाना। एंड गाइज, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई थिंक ये 11th ब्लॉग है हमारा। सो गाइज, देखते ही देखते एटलीस्ट मैंने 11 ब्लॉग शूट कर लिए। सो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, बट हाँ एक टाइनी सा अचीवमेंट है, बट इट इज़ अ अचीवमेंट फॉर मी। इट एटलीस्ट रेगुलर 11 डेज तक मतलब मैंने रेगुलर ब्लॉगिंग किया। सो गाइज, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।